एक पाव मैदा डालें, एक टेबलस्पून सूखा दूध, एक टीस्पून नमक, दो टेबलस्पून खमीर, ढाई टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, इस सब को अच्छी तरह मिला लें। 112 मिलीलीटर इसमें पानी का इस्तेमाल करना है, नीम गर्म पानी का, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इसको मिलाएं और इसको गूंदते चले जाएं। इसका डो जो है सख्त नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए और स्टिकी होना चाहिए। टिप यही है कि जब आप इसको बनाएंगे, आटे को गूंदेंगे, तो ये स्टिकी होना चाहिए। बस इतना पानी काफ़ी है, वैसे तो 112 मिलीलीटर का है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लें कि इसमें कितना लग सकता है। थोड़ी देर इसको गूंद लीजिए। ये देखें कितना स्टिकी है ये। अब आप इसके अंदर दो टेबलस्पून तेल डालेंगे और इसको इसके साथ भून लीजिए। आटा गूंदने के बाद हम तेल डालते हैं। अब हम इसको ढक देते हैं और आधा घंटे के लिए प्रूफ होने के लिए रख देते हैं। आधा घंटा हो गया, ये देखें डो जो है वो राइज हो गया अच्छी तरह। अब इसको जो है हम समेटेंगे, ये देखें बहुत अच्छी तरह राइज हुआ ये। इसके लिए जो है हम पहले काउंटर पे मैदा डालेंगे और इसको जो है डो को इस पर शिफ्ट कर देंगे। अब इसको जो है इस तरह से समेटेंगे यहाँ तक कि ये स्मूथ हो जाएगा, खुद ब खुद सिमटेगा ये और इसका स्टिकीपन भी ख़त्म होगा काफ़ी हद तक। ये जो चिपक रहा है इसका ये चीज़ भी ख़त्म होगी। बस आप इसको इस तरह से करते रहिए। आपने सिर्फ काउंटर पे मैदा डालना है ताकि ये जो है चिपके ना काउंटर से। और ये देखें ये सिमट रहा है और ये अब चिपकना भी बंद हो गया। अब ये चिपकना भी बंद हो गया, ये देखें। हमने इसको आधा घंटा रखा था, आधे घंटे में ही में ये प्रूफ हो गया था। अब ये सब सिमट रहा है, हम इसका जो है एक शेप देंगे डो का और इसको सांचे में डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैदा और डालते हैं, डस्ट कीजिए, इसको एक शेप दे दीजिए। अब आप इसको जो है इसी तरह रख के 45 मिनट के लिए इसको हम फिर जो है प्रूफ करेंगे और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसे ओवन में बेक करेंगे। 45 मिनट के लिए हम इसे दोबारा प्रूफ करने के लिए रख देते हैं। इसके साथ ही हम ओवन जो है 180 सेंटीग्रेड पर प्री हीट करेंगे। डबल रोटी को ओवन से निकाल लिया, अब इसको फ़ौरन इस पे जो है हमने घी लगाना है। कपड़ा ले लें, ब्रश से लगाएं, टिश्यू पेपर से लगाएं, फ़ौरन इसको जो है इस पे अच्छी तरह घी स्प्रेड कर दें और इसके बाद जो है ये जब ठंडी हो जाएगी तो हम इसको निकाल के डिस्प्ले करेंगे। अब थोड़ी सी ये ठंडी हो गई है, ब्रेड के किनारों को चेक कर लेते हैं ताकि ये आसानी से बाहर आ जाए। ये छुरी जैसे आराम से इसमें से जा रही है, इसका मतलब है कि बहुत आराम से ये डबल रोटी हम इसको प्लेटर में निकाल लेंगे।
इसको हम उलट के इस तरह से देखें, के बाद ये देखें आप इसके ये अंदर से कितना जाल बना हुआ है, इतना फ्लफी है ये। हम आपको इसको दबा के भी दिखाते हैं, ये देखें कितना फ्लफी है। ठीक है, अब इसको हम ठंडा करेंगे।